रानी बादशाह आए, आगा से रानी रहमतुल्ला ताला ने जब हिंदुस्तान में आना था, अरबस्तान में थे, मुरीदीन साथ में है, मुरीदीन का हजरत कश्ती तो आई नहीं, हम कैसे जाएंगे। मुरीदों के सामने देखा कागज से रानी रहमतुल्ला तौरागी वाले पाकिस्तान में इनका मजार है बगदाद के लिए, एक वली के तीन मजार, ये सुनिए खाजा मकबूलीन शेरानी रहमतुल्ला था। मुड़ के देखा ए मुरीदो कोई बात नहीं, कश्ती नहीं है, ठीक है, हमें हिंदुस्तान जाना है, आप लोग आके बंद कर लो, आके बंद करो। बाका सिरानी ने हिमतुल्ला ताला ने मुर्दों को कैसे करने, आके बंद करो, मेरे पीछे पीछे आओ, और बिस्मिल्लाह रहमानी नहीं पढ़ के कदम रखा तो आ जाओ मेरे पीछे, जब तक जाकर आप ना खोलना। मुरीदों ने आंख बंद की है और चल रहे हैं, और अरबस्तान से जब हिंदुस्तान पहुंचे ताकि आप खोलो, आप खोले अरबस्तान से हिंदुस्तान पहुंच गए। ये करामत खाजा मकबूलीन शेरानी ने हिमतुल्ला ताला बैठे हुए अल्लाह हो अल्लाह हो, जहां अल्लाह का नाम लेते अल्लाह 40 देनिया का है, हाँ। अल्लाह का जिक्र मौला का जिक्र होता रहा। एक शख्स आपके बैठ गया, आप बोली कहा हजरत बहुत गरीब हूं, एक दिन खाना मिलता है क्योंकि दो दो रोज दो दो दिन तक भूखा रहना पड़ता है, आज मैं तो खाना नहीं चाहता था, मैं आपका मुरीद हूं तो कैसे आपसे अर्ज करूं, लेकिन मेरी बीबी ने कहा है क्या, अब देखो बीबी की बात मानिए क्या, मशवरा सब कर लो अपनी मानो, बीबी की बात मानी, बीबी ने कहा कि आपके वीरे वहां जाओ कुछ मिल जाएगा नजराना, नजराना मिल जाएगा फिर देखे, तो गए इसीलिए आया हूं। खाजा मकबूलीन शेरानी रहमतुल्लाह क्या चाहता है, हजरत कुछ मिल जाए, ऐसा अमल दे दीजिए कि पैसे आए। खाजा मकबूलीन शेरानी ने कहा एक सर पे दे सकता हूं, एक सर पे दे सकता हूं, हजरत कौन सी सर, किसी को बताना नहीं, देखो अल्लाह के वही से वादा करो तो पूरा करो, किसी से मोमिन से वादा करो भी पूरा करो, वादा किया हजरत मैं वादा करता हूं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है, आज से फजर की नमाज दो रकात मुसल्ला बिछाकर अपने घर पे पढ़ना, कितनी दो रकात मुसल्ला बिठाकर अपने घर पे पढ़ना सुन्नते मौकेदा, ठीक है ना, फिर क्या करो, कहा फर्ज मस्जिद में पढ़ना जमात के साथ में, ठीक है अगर तो कहा मेरा फायदा क्या, कहा कैसे तो सुन्नते मौकेदा पड़ेगा, सलाम फेरेगा मुसल्ला उठाएगा एक रुपया नहीं मिलेगा, कहो सुनता बगैर मेहनत के बगैर के तुम्हें एक रुपया निकलेगा रोजाना। अब कौन है ऐसा मुसलमान कि नमाज ना पढ़े बगैर मेहनत के उस वक्त का एक रुपया, ठीक है आगे दो रकात पढ़ी सलाम फेरा मुसल्ला उठाया एक रुपया निकला, कहो ये अल्लाह के वली, अल्लाह के वली जो बोले सो अल्लाह कर देता है, क्या हाँ जवाब उसकी होती है बोलना अल्लाह का होता है, ये वली है जो खुदा का होता है खुदा के खुदा इसकी हो जाया करती है। अब बीबी देखती है कि ये कमाने जाता नहीं है, मेहनत करने जाता नहीं, मजदूरी करता नहीं और मुझे भी पैसा देता है, आदमी अगर आता है पैसा छना छनी करता है, आदमी की हिजरत है छना छनी करता है मेहनत बगैर मेहनत के तौर, अब ये तो उड़ाने लग गया, बीबी हैरान रहना गया ना, तो पूछा है मेरे सर मुद्रा क्या नया धंधा शुरू किया, कौन सा, और चोरी का, अल्लाह अरे कहा क्या बात करती है,
अरे का पैसा आता कहां से, वह हमारी पेटी भरे जा रही है और कमाने के लिए तो जाता नहीं, और ये पैसा आता कहां से है? ये राज की बात है। क्या कहा? है बेगम, ये राज की बात है। अब बेगम को जो जो चीज मना करोगे ना, वो बार बार तुम्हें टोर्चर करेगी। क्या तुम्हें भी अनुभव, मुझे भी अनुभव है, बीबी टोर्चर करेगी जिस चीज का मना करोगे ना, तो तुम्हें टोर्चर करेगी। अब कहा कि फिर बता नहीं सकता, राज की बात है। तो एक बार सुबह नाश्ता दिया मुंह बिगाड़ कर, पानी दिया मुंह बिगाड़ कर, डिपोर हुई मुंह फेर के दिया पानी, ना खाने का दिया, बात नहीं कर रही, मुंह चढ़ाए हुए। अब सोर बिचारा परेशान है, क्या करूं तो क्या, बता देता हूं तो रुपया बंद हो जाएगा, और नहीं बताता इसका मुंह चढ़ा रहेगा, अब करूं तो क्या करूं? अल्लाह अकबर। सोचते सोचते ख्याल आया, चलो बता ही देता हूं, हार मान ही लेता हूं, हार माननी पड़ती तभी कामयाबी मिलेगी। आ बीबी बना के रखो, नौकरानी नहीं, बीबी को बीबी बना के रखो, नौकरानी नहीं। कपड़े के लिए हमारे नहीं आई तो इसकी खाक साड़ी है, सवा की औरतों ने किया, अब हाल ये हो गया है। अल्लाह अकबर, बता दिया कि जो ख्वाजा मुकुद्दीन सेरानी है ना, कहा उनकी बारगाह में गया था, उनके पास सोचा, रोने लग गया, तो मुझे वजीफा दिया, ताकि दो रकात सुन्नत मौकेद अपने घर पे पढ़ना, और उसके बाद क्या तू मुसल्ले को उठाएगा, एक रुपया निकलेगा। तो ऐसी बात है, कहा बता दिया, अब जितना माल था खत्म हो गया, अब फिर भूखा रहना पड़ा। बीबी ने कहा जाओ अब कमाने के लिए, और पीर साहब को कहो अगर इस तरह का मामला हुआ तो कहा देख तेरे हिसाब से ये हुआ है, वरना पैसा बहुत हो चुका था, बेलस थी हमारे पास, लेकिन तुझे बता दिया तो ये रुपया चला गया, अब नहीं मिल सकता। कहा मेरी एक मशवरा, एक राय है। का कौन सी राय है? का फिर आप जाओ रो और मुझे भी साथ ले चलो। अरे कहा वहां तेरा क्या काम है? एक तो माल बंद करा दिया, अब जो माल था वो भी खत्म हो गया, अब वहां जाएंगे तो क्या करेंगे? तो कहा वो तो बात, मुझे ले चलो। शोर में सोचा चलो ठीक है ले जाता, बीबी को भी साथ में ले गया और सलाम किया, हाथ का बोसा लिया, बैठ गया। राजा महमूदी सेरानी का आ गया, वली को सब पता होगा, क्या आ गया? कहा हजरत क्या हुआ? तब मैंने मेरी बीबी को बता दिया, तो रुपया जो मिलता था वो मुसल्ले के नीचे से नहीं निकल रहा। तो अच्छा, बीबी बोली राजा महमूदी सेरानी मेरी ताकत देखो, मेरे शोर का रुपया बंद करा दिया। क्या कहा? मेरी ताकत देखो, मैंने रुपया बंद करा दिया। ख्वाजा महमूदी सेरानी जलाल ने कहा ए औरत ये बात करती है, अब एक नहीं दो रुपये रोजा निकले, ये तेरी ताकत थी ना, अब मेरी ताकत दे और पूरे गांव को बता दे एक रुपये नहीं रोजाना दो रुपये निकालेगा। कहो दरुस्तरी पढ़िएगा, ये अल्लाह वालों की बातें करामते, ये निगाहें वली में, और तासीर देखी, बद जल्दी देखी। बात ये कि ख्वाजा महमूदी सेरानी की करामत है।